आज हम बनाएंगे एडी पदक में पूरा सेट। ये 9 डायमंड चौकी है, ये 9 डायमंड चौकी और ये 4 डायमंड चौकी है। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है और ये स्मॉल साइज चौकी है। और देखिए, ये छोटी साइज का एक पदक है जो हमने माला में 2 पदक यूज़ किए हैं, और ये एक बड़ी साइज का पदक जो हमें मालाजी में यूज़ किया है। एक होल का ये 9 डायमंड चौकी है, उसमें 3 होल्स अवेलेबल है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिनिशिंग के साथ बनी हुई है। ये डायमंड्स अंदर ही जॉइंट हुए। एडी में हमारे पास हांस भी अवेलेबल है। देखिए, ये मल्टी कलर में इसके साथ मैच होगी। मल्टी कलर में कतरा भी अवेलेबल है, कतरा मल्टी कलर में। ऐसे ही सिंगल कलर में भी अवेलेबल है। से ग्रीन कलर, हीरा, मानिक और पन्ना, ये तीनों कलर अवेलेबल है। ये इसमें बड़ी साइज का पदक भी है। बहुत सारे डिजाइन है, मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी। और पन्ना में मुकुट भी अवेलेबल है, हांस, इसी तरह हीरा में भी है और मानिक में भी अवेलेबल है। ये फिरोजा कलर है, ये भी बहुत ही सुंदर है। इसका फिनिशिंग भी बहुत ही सुंदर है। फिरोजा कलर में हांस, मुकुट और शीश फूल, ऐसे ही सिंगल हुक पदक भी अवेलेबल है। ये वाइट कलर, हीरा और ये पन्ना। पन्ना में ये डिज़ाइन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, मयूर वाले। देखिए, ये चौकी में दूसरी पैटर्न्स है, थोड़ी बड़ी साइज में। ये भी हीरा, मानिक और पन्ना में है, मल्टी कलर सब अवेलेबल्स है। ये चूंकि भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसमें पदक भी है। तीनों कलर अवेलेबल है, मिक्स में भी अवेलेबल है। ये ओवल शेप में है, 4 होल है इसमें अवेलेबल। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये पूरा ओवल शेप में, हीरा, मानिक और पन्ना में। इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है और प्लेटिंग भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए, पदक की ये पैटर्न भी बहुत ही अच्छी है। ये चांद पदक बोलते हैं इसे। अब हम मालाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मालाजी बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं जापनीज मोती। इस मोती की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रहती है, इसकी शाइनिंग भी बहुत ही अच्छी है। लॉन्ग टाइम तक ये मोती की शाइनिंग और इसका फिनिशिंग ऐसा ही रहता है। अब हम मालाजी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 4 मोती लेने हैं और ये 9 डायमंड वाली एक चौकी, फिर इसके बीच हमें 2 मोती लेने हैं, फिर 9 डायमंड वाली चौकी। अब यहाँ पे बीच में 3 मोती,
और फिर एक ये जो हार्ट शेप वाला पदक है वो, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, छोटा सा पदक है, इसका फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया रहता है, एडी में है ये सारे पदक। फिर 3 डायमंड वाली चौकी, फिर 2 मोती और फिर 9 डायमंड वाली चौकी और फिर 4 मोती, 4 मोती। और अब हमें यहाँ पे लास्ट में एक धागा ज्वाइंट करना है। देखिए फर्स्ट लाइन बनके हमारी कुछ इस तरीके से रेडी होगी। ये छोटी माला चाहिए 2 इंच की साइज़ की। अब यहाँ पे ये जो पहला मोती है उसमें से रिटर्न और यहाँ पे एक गांठ लगा देनी है। इस तरह अब रिटर्न में हमें 3 मोती लेने हैं। अब यहाँ पे 3 मोती लेके ये जो तीसरा होल है उसमें से हमें नीडल लेनी है, बीच में हमें एक होल छोड़ देना है। फिर 2 मोती, फिर 2 मोती और लास्ट होल में से ही नीडल। फिर हमें 7 मोती लेने हैं, 7 मोती और ये बड़ा वाला पदक है वो हमें यूज़ करना है और फिर 7 मोती। अब यहाँ पे 2 मोती और लास्ट में 3 मोती। अब यहाँ लास्ट में 3 मोती लेके ये जो फर्स्ट मोती है हमने जो फर्स्ट लाइन बनाई उसमें से वहाँ पे हमें नीडल लेनी है फर्स्ट लाइन में और फिर इस तरह पहले मोती में से फिर वापस उसी मोती में से हमें नीडल को इस तरह बीच में लेना है। अब हम यहाँ पे फिर से 3 मोती लेने हैं, 3 मोती और दूसरे होल में जो ये बीच में हमने छोड़ दिया था उसमें से नीडल, देखिए इस तरह, फिर 2 मोती। हमें यहाँ पे 2 मोती ही लेने हैं, फिर से 2 मोती यहाँ पे वाइट 2 मोती और फिर यहाँ से ये जो हमने फर्स्ट लाइन ली है हमें अब उसमें से नीडल लेनी है, इसमें से यहाँ तक। फर्स्ट लाइन में नीडल और यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो बीच का होल है उसमें से नीडल और फिर दोनों बार 2 मोती लेके ऊपर की ओर 2 मोती और यहाँ पे 2 मोती लेके इस तरफ ऊपर की ओर बीच में से और ये हमारी माला रेडी हो गई। अब हमें यहाँ पे बीच में एक और सिर्फ मोती की लाइन ज्वाइंट करनी है। यहाँ से इस तरह 2 मोती में से नीडल रिटर्न
इस तरह। अब यहाँ पे बीच में 8 मोती, फिर एक पदक इस तरह से, और फिर 8 मोती इस तरह। और यहाँ पे ये जो 2 मोती है उसमें से हमें निडल लेनी है, एक मोती छोड़ के दोनों मोती में से निडल, और फिर धागा ऊपर की ओर। और अब हमें यहाँ पे गांठ लगा के धागे को कट करना है। एक छोटी और बहुत ही ब्यूटीफुल माला जी बन के रेडी है, आप देख सकते हैं। ये 2 इंच की माला जी है। इसी तरह हम कतरा भी बना सकते हैं। देखिए कतरा मल्टी कलर में, और कुंडल, कुंडल भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसी तरह ये 2 डायमंड वाले प्लेन सिंपल चौकी है। ये हस्त के कड़े हैं। अब हम आगे नूपुर, इसमें 4 डायमंड चौकी यूज़ की है और 2 सिंगल हुक पदक। ये सिंपल और बहुत ब्यूटीफुल है। इसी तरह हम कमरबंद भी बना सकते हैं ठाकुर जी का। तीन चौकी है, ये 4 डायमंड मल्टी कलर में है और एक वाइट में है। इस तरह पूरा सेट बन के रेडी हो जाएगा।